Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will deal with the effect of feedback on output and input impedances. Last lectures में हमने different topologies of feedback amplifier के बारे में पढ़ा था. तो जिन बच्चों ने अभी तक last lectures नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले different topologies of feedback amplifier जो मेरा लेक्चर है वो देख लें और फिर आज का लेक्चर फॉलो करें. अदरवाइज अगर उन्हें यह ना पता, ये पता नहीं रहेगा कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर है, देन आज का लेक्चर उन लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो जिन लोगों ने अभी तक फॉलोअप नहीं किया है वो लास्ट लेक्चर्स देख लें और नोट्स आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर. आज हम लोग सबसे पहले वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे. क्या बात करेंगे कि हम लोग यह चेक करेंगे कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में जो उसका जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर है उसका इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस किस तरह से अफेक्टेड होता है ड्यू टू द फीडबैक नेटवर्क. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट इम्पीडेंस. तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर ले रहे हैं, तो हमें पता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज सीरीज मतलब ही हो रहा है वोल्टेज सैंपलिंग सीरीज मिक्सिंग. तो वोल्टेज की सैंपलिंग हो रही है, सीरीज में मिक्सिंग हो रही है. तो वोल्टेज हम लोग देख लेते हैं, ये फिगर बता रहा है हमें, हमने ऑलरेडी ये फिगर देखा हुआ है इन द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर. मैंने अलग से आप लोगों को प्रत्येक फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो लेक्चर्स को फॉलोअप कर लें. ओके, तो ये लेक्चर्स आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा. तो वोल्टेज सीरीज मतलब हो रहा है वोल्टेज की सैंपलिंग हो रही है, सीरीज में मिक्सिंग हो रही है. तो ये रहा वोल्टेज, आउटपुट में सैंपलिंग होती है. तो सैंपलिंग कैसे होगा, तो सैंपलिंग वोल्टेज की सैंपलिंग ऑलवेज पैरेलल में हम लोग लेते हैं, मतलब संट में लेते हैं. तो ये हम लोग ले लिए पैरेलल कनेक्शन ले लिए. ओके, सीरीज में मिक्सिंग हो रही है, सीरीज में मिक्सिंग किसकी होती है, इनपुट में मिक्सिंग होगी और सीरीज में मिक्सिंग वोल्टेज की होती है. तो ये रहा, ये वोल्टेज सीरीज में मिक्स्ड हो रहा है. फाइन, तो हमें ये हमारा एक वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है. अब नया इसमें क्या है, हमने क्या किया था, पहले हमने एक बॉक्स डाला था और उसमें लिख दिया था कि दिस इज द मेन एम्पलीफायर विद द गेन ऑफ ए इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई. आज हम लोग इसमें इक्विवेलेंट सर्किट से इसे रिप्लेस कर रहे हैं मेन एम्पलीफायर को. तो मेन हमारा ये एम्पलीफायर क्या है, एक वोल्टेज एम्पलीफायर है. वोल्टेज एम्पलीफायर है इसका मतलब है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हम लोग यूज किए हैं. तो ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट हमें पता है हमें ए इक्वल टू क्या होता है वी नॉट बाई वी आई. तो वी नॉट इक्वल टू ए इंटू वी आई हो गया, ए इंटू वी आई जो है वो हमारा आउटपुट एक्चुअली वोल्टेज बता रहा है और ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इनपुट वोल्टेज पर. ओके, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द मेन एम्पलीफायर इज आर आई एंड आर नॉट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस. अब क्योंकि आर नॉट जो है वो क्या लगा, क्योंकि यह एक हम लोग क्या कर रहे हैं वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर, तो वोल्टेज एम्पलीफायर के साथ में जो है वो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, आउटपुट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स के साथ में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है. तो यहाँ आर नॉट की वैल्यू जो है वो कम होगी. ओके, तो ये हमारा एक वोल्टेज एम्पलीफायर है. ओके फाइन, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं. तो हमारा सेम वही फिगर है. तो ये हमारा हो गया एम्पलीफायर, ये हमारा हो गया फीडबैक सर्किट. हमने आउटपुट से जो है वोल्टेज को फिट किया है कहाँ पर, तो फीडबैक सर्किट में. और फीडबैक सर्किट के आउटपुट को जो कि कितना है VF है, VF को हमने सीरीज में मिक्स किया है. II इज द करंट ऑफ द मेन एम्पलीफायर. II जो करंट है वो कहाँ किसमें जा रहा है, मेन एम्पलीफायर में. और मेन एम्पलीफायर के जो जो हमारा वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज वो कितना है, VI है. फाइन, VI है. अब हम लोग, हमने सोर्स वोल्टेज को माना है VS, VF जो है वो सीरीज में मिक्स हो रहा है, तो हमारा IS जो है वो क्या है, सोर्स का करंट है. तो ये IS क्योंकि ये सीरीज में है, ये देखो सीरीज में है, सीरीज में है, इसका मतलब है जो IS है वही II है.
लेकिन यहाँ दिखाने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपको समझ में आए कि आईआई जो करंट है वो क्या है, इनपुट करंट ऑफ द मेन एम्पलीफायर है एंड आईएस इज द इनपुट करंट ऑफ द सोर्स है। ओके ठीक है, और ये जेड आईएफ क्या है, जेड आईएफ इज द फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर। टोटल एम्पलीफायर को हम लोग अगर एक बॉक्स में डाल दें, दिस इज अ बॉक्स, ये बॉक्स हम पहले मैंने दिखाते कैसे हम लोग डालते हैं, ये हमारा बॉक्स है, उसके चार टर्मिनल निकले हुए होंगे, तो चारों टर्मिनल में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट आउटपुट करंट, बस ये चार चार चीजें रहेंगी। तो मेरा जो इम्पीडेंस होगा वो क्या है, वो जेड आई एफ होगा। जेड आई एफ क्या हो जाएगा, इसका मतलब है जेड आई एफ, यहाँ पर जेड आई एफ का मतलब क्या हो रहा है कि वी एस बाई आई एस सिंपली। ओके, जब हम लोग फीडबैक को नहीं कंसिडर करेंगे, जब फीडबैक कंसिडर नहीं करेंगे उस समय जो है वो हमारा इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, दैट इज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मेन एम्पलीफायर, वो क्या है, वो ऑब्वियसली जो हमारा आर आई है वो आर आई इक्वल टू वी आई बाई आई आई है। तो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मेन एम्पलीफायर जिसको हम लोग जेड आई कह रहे हैं वो यहाँ पर क्या है, आर आई है, मतलब ये एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, जेड आई इक्वल टू आर आई है, ठीक है। एंड इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर को हमने जेड आई एफ कहा है, जेड आई एफ को हम लोग आर आई एफ भी कह सकते हैं क्योंकि यह एक रेजिस्टिव सर्किट है। अब हम लोग अगर हम लोग इनपुट सर्किट में देखें तो इनपुट सर्किट में हम देख सकते हैं कि वी आई जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, वी एस माइनस वी एफ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक केवी लगाएंगे, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं अगर हम केवी लगाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, वी एस जो सोर्स वोल्टेज है वो क्या है, इट इज द सम ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड द फीडबैक वोल्टेज। तो मेरा वी एस इक्वल टू क्या है, आई आई वी आई प्लस वी एफ है, तो वी आई इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ होगा। ओके, अब हम लोग आर आई एफ मतलब जेड आई एफ को क्या लिखते हैं बताएं, वी एस बाई आई एस, लेकिन मैंने यार क्या लिखा है यहाँ पर आई आई, इस आई आई लिखने का मतलब यह हुआ कि क्योंकि आई एस इक्वल टू आई आई है इसीलिए हम लोग वी एस बाई आई एस को वी एस बाई आई आई लिखे हैं। अगेन वी एस को क्या लिखेंगे हम लोग, वी एस को लिखेंगे वी आई प्लस वी एफ, फाइन कोई दिक्कत नहीं है। अब इस हम लोग को जो है उस वी एफ को हम लोग को वी नॉट के फॉर्म में हमने रिप्लेस किया, तो हम जानते हैं वी एफ इक्वल टू बीटा वी नॉट होगा फ्रॉम दिस फीडबैक सर्किट, वी एफ इक्वल टू बीटा वी नॉट, तो हमने बीटा वी नॉट यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगेन अब हम लोग को क्योंकि हम हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमको निकालना है आर आई एफ। ओके, तो आर आई एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो जो इनपुट इम्पीडेंस है जो कि विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर है उसके साथ में हम लोग इनपुट इम्पीडेंस जो कि फीडबैक के साथ है उसका रिलेशनशिप निकालेंगे। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है यहाँ पर वी नॉट को वी आई के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वी नॉट इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए इंटू वी आई होगा, क्यों होगा, क्योंकि वी नॉट इज द आउटपुट वोल्टेज एंड ए इज द गेन ऑफ द मेन एम्पलीफायर, तो ए इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई है, देयरफॉर वी नॉट इक्वल टू ए इंटू वी आई, तो वही हमने ए इंटू वी आई यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, देयरफॉर वी आई यहाँ से कॉमन ले लो, तो वी आई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वन प्लस ए बीटा, और नीचे क्या बचा, बचा आई आई, तो वी आई बाई आई आई मतलब क्या, वी आई बाई आई आई मतलब आर आई, तो आर आई हो गया, दैट इज आर आई एफ इक्वल टू आर आई इंटू वन प्लस ए बीटा। तो इसे हम क्या, हमें क्या जानकारी मिली कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ वन प्लस ए बीटा। तो हमारा जो विदाउट फीडबैक जो था उस समय इम्पीडेंस मेरा कितना था, आर आई था, लेकिन अब मेरा इम्पीडेंस कितना है, आर आई इंटू वन प्लस ए बीटा है। ओके, तो मेरा क्या हुआ, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ गया, कितना बढ़ा, बाय फैक्टर ऑफ वन प्लस ए बीटा। ओके, तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक का इनपुट इम्पीडेंस कौन सा इनपुट इम्पीडेंस, तो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ वन प्लस ए बीटा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस की तरफ मूव करते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस, तो अब हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे। तो जब हम आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इम्पीडेंस निकालते हैं मतलब इक्विवेलेंट, यहाँ पर इम्पीडेंस निकालना मतलब यहाँ पर क्योंकि रेजिस्टिव नेटवर्क है तो हम लोग कह सकते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, अगर एक मेरे पास रेजिस्टिव नेटवर्क है तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रहेगा तो उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। तो इंडिपेंडेंट
वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर दिए, अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रहेगा तो ओपन कर देंगे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा तो सेम कुछ नहीं, हम लोग को डिपेंडेंट सोर्स को नहीं छेड़ना है। ओके, तो सी अगर हम यहां देखें तो यहां अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा वी नॉट आउटपुट है, वी नॉट। तो हम लोग अगर अगर हम मुझे चाहिए कि क्या चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस कब, तो जब फीडबैक है, तो ये फीडबैक है तब, यहां से हम लोग देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, आर ओ एफ, ये निकलेगा आर ओ एफ, यहां से देखेंगे तो यहां से हम देख रहे हैं तो इस तरफ जब देखेंगे यहां से खड़े होके तो मुझे इस तरफ में या मुझे लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक करेंगे कि क्या कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो हाँ इंडिपेंडेंट सोर्स तो था, क्या था, तो वीएस था। सी वीएस हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स था, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे हम शॉर्ट कर देंगे, तो हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या किया, शॉर्ट कर दिया। ओके, तो यह अब जो है हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे, डिपेंडेंट सोर्स को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक है, अब जो है मुझे क्योंकि मुझे निकालना है आउटपुट रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे कि आउटपुट रेजिस्टेंस का मतलब हो रहा है कि मेरा रेशियो किसका आना चाहिए, वी नॉट बाई आई नॉट आना चाहिए, तो वी नॉट बाई आई नॉट के रेशियो के लिए हम लोग लगाएंगे केवीएल। तो केवीएल कैसे लगाएंगे, स्टार्ट करो केवीएल इस तरह से, केवीएल ऐसे मान लो ये मेरा केवीएल का डायरेक्शन है, दिस इन दिस डायरेक्शन वी विल फॉलो, ये चला ऐसे, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ केवीएल है, चला इस तरह से। तो हम लोग अगर ये आउटपुट लूप में अगर केवीएल ले लेते हैं तो केवीएल क्या आएगा, तो चेक करते हैं, सी हमारा आई नॉट करेंट जो है वो मान लिए है कि ये सर्किट करेंट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग केवीएल ले रहे हैं, तो केवीएल कहां से शुरू किया, मान लो कि केवीएल मैंने यहां से शुरू किया, फाइन, यहां से हमने केवीएल शुरू किया, ये चला केवीएल, ओके दिस इज द डायरेक्शन ऑफ केवीएल आई एम यूजिंग, पता है मुझे लूप कंप्लीट होना चाहिए ना, लूप कंप्लीट होगा तो केवीएल कंप्लीट हो जाएगा, लूप कंप्लीट हो गया, शुरू जहां से किए थे वहीं आके हम लोग रुक गए, ठीक है। तो हम लोग केवीएल ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ केवीएल लेंगे तो क्या आएगा, वी नॉट माइनस आई नॉट आर नॉट माइनस ए वी आई इक्वल टू जीरो, या माइनस वी नॉट प्लस आई नॉट आर नॉट प्लस ए वी आई इक्वल टू जीरो, आप लोग केवीएल जैसे आप लोग को जो है सुविधा हो आप दोनों ही प्रोसेस से ले सकते हैं। ओके, तो मेरा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया वी नॉट माइनस आई नॉट आर नॉट माइनस ए वी आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से हम लोग आई नॉट आर नॉट इक्वल टू क्या निकल गया, वी नॉट माइनस ए वी आई, देन आई नॉट इक्वल टू वी नॉट माइनस ए वी आई बाई आर नॉट। अब हम लोग क्योंकि मुझे रेशियो क्या निकालना है, वी नॉट बाई आई नॉट का, तो हम लोग इस वी आई को क्या करेंगे, हम लोग वी आई को और वी आई को हम लोग अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। कैसे चेंज करेंगे, देखो क्योंकि हमने इनपुट में जो हमारा वोल्टेज सोर्स लगा था वो क्या था, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था जिसे हमने शॉर्ट कर दिया है, तो वीएस को जीरो कर दिया है, तो वीएस क्या था, वीएस इक्वल टू सोर्स वोल्टेज इक्वल टू मेरा क्या था, इनपुट वोल्टेज प्लस फीडबैक वोल्टेज, तो वीएस इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ है, तो वीएस को जीरो कर दिए तो वी आई प्लस वी एफ हो गया, दैट इज वी आई इक्वल टू माइनस वी एफ। अब इस वी आई के वैल्यू को हम लोग इस वी आई के वैल्यू के बदले में हम लोग माइनस वी एफ यहाँ पुट किए, तो क्या आया, वी नॉट माइनस ए इंटू माइनस वी एफ, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो वी नॉट प्लस ए वी एफ बाई आर नॉट। ओके, अभी भी जो है यहाँ पर मुझे वी नॉट नहीं आया है, तो मुझे अब मुझे वी नॉट के टर्म में लाना है, तो मुझे तो पता है कि वी एफ इक्वल टू क्या होता है, बीटा वी नॉट, ये रहा वी एफ इक्वल टू बीटा वी नॉट, तो हमने बीटा वी नॉट पुट कर दिया, तो वी जीरो यहाँ से कॉमन लिए, तो कॉमन लिए तो क्या जाएगा, वी जीरो इंटू वन प्लस ए बीटा बाई आर नॉट, तो ये तो हमारा वी जीरो बाई आई जीरो क्या है, वी जीरो बाई आई जीरो यही तो हमारा क्या है, आर ओ आर ओ एफ है ना, यही हमारा जो है वो वी जीरो बाई सॉरी वी जीरो बाई मेरा आर जीरो है, तो वन प्लस बीटा मेरा वी नॉट आया है। अब मुझे जो है निकालना है यहाँ आई नॉट है,
यहाँ क्या है, आई नॉट, आई नॉट इक्वल टू वी जीरो इंटू वन प्लस ए बीटा बाई आर नॉट आया है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा आर ओ एफ, दैट इज आर ओ एफ मतलब हो रहा है वी नॉट बाई आई नॉट इक्वल टू आर नॉट बाई वन प्लस ए बीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं इन केस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक, उस समय हम लोग देख रहे हैं कि आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो वन प्लस ए बीटा फैक्टर से क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, रिड्यूस कर जा रहा है। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक में इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज कर जाता है बाय फैक्टर ऑफ वन प्लस ए बीटा, इसलिए हम लोग जो है वो विथ फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस आर आई एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर आई इंटू वन प्लस ए बीटा, एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ वन प्लस ए बीटा, इसलिए हम लोग लिखते हैं आर ओ एफ इक्वल टू आर नॉट बाई वन प्लस ए बीटा। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन हुआ अबाउट वोल्टेज सीरीज फीडबैक। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द अदर रिमेनिंग टोपोलॉजीज। ओके, कि कैसे जो है उन टोपोलॉजीज पर और जो बचे हुए टोपोलॉजीज है उन पर कैसे जो है वो फीडबैक इफेक्ट करता है इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस पर। ओके, सो एंजॉय द लेक्चर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।